अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह की रहमत से ठीक ही होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं आपको एक क्या पढ़ के सुनाऊंगा आज, बदअमली की सज़ा। तो बदअमली क्या होता है? गलत काम होते हैं जो हमें इजाज़त नहीं है, हम वो गलत चीज़ों में मुतवज्जो हो के उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दे के और फिर गलत रास्ते पे निकल पड़ते हैं, तो वो बदअमली कहलाती है। तो उस ये टॉपिक हमारा है बदअमली की सज़ा। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमाया कि ए जमात मुहाजरीन, 5 खसलतें हैं जिनके मुतालिक मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ कि वो तुम्हारे अंदर पैदा हो जाएं। एक ये कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है तो उन पर ताऊन और वबाएं नेज़ा ऐसे नए नए मराइज़ मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनके आबा व अजदाद ने भी ना अजदाद ने सुने भी ना थे। और दूसरे ताऊन और वबा मतलब ऐसी नई नई बीमारियां आ जाती हैं कि जो हमारे पिछले पुरखों ने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी कोई बीमारी हो सकती है। तो क्या था नंबर हाँ, जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है तो उन पर ताऊन और वबाई नेज़ा ऐसे नए नए मराइज मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो उनके आबा व अजदाद ने सुने भी ना थे। और दूसरे ये कि जब किसी कौम में नाप तोल में कमी का मर्ज़ पैदा हो जाए तो उन पर कहत और गरानी, मशक्क़त मेहनत और हुकाम के मजालिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं। मतलब जो किसी भी चीज़ में नाप तोल में कमी ज़्यादती करते हैं तो जो हमारे एक तो बहुत ही टफ उर्दू है ये कहत और गरानी, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या है, मशक्क़त मेहनत और हुकाम जो हमारी हुकूमत है के मजालिम मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और तीसरे ये कि जब कोई कौम ज़कात अदा ना करे तो बारिश बंद कर दी जाती है। ज़कात हम सबको ही पता है कि जो हमारी इनकम है, जो एक साल तक हमारे पास स्टोर पैसा है या फिर कोई घर है जो इस्तेमाल में नहीं है एक साल से, उसका 2.5% हमें हर साल देना होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो आपको रमज़ान में ही देना है। जैसे मेरे पास 1 लाख या 2 लाख, एक पर्टिकुलर समझ लीजिए जुलाई में मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया है, तो अगले साल जुलाई तक, 1 जुलाई तक मतलब, और पिछली 1 जुलाई को मेरे पास आया था और अगली 1 जुलाई तक अगले साल मेरे पास वो पैसा बचा हुआ है, तो मैं उस 1 लाख पे मेरे को 2.5% पैसा देना है। और जो जेवरात होते हैं उन जेवर का भी वज़न करवा के एक साल से ऊपर हो गया है तो उन पे भी हमें ज़कात देना होता है। तो ज़कात नहीं देते कौन तो अदा ना करे तो बारिश बंद कर दी जाती है। और चौथे ये कि जब कोई कौम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ओहद को तोड़े तो अल्लाह ताला उस पर अजनबी दुश्मन मुसल्लत फरमा देते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों, अजनबी दुश्मन मतलब जो उनके माल बगैर किसी हक के छीन लेता है। और पांचवे ये कि जब किसी कौम के अरबाब इक्तदार किताब
अल्लाह के कानून पर फैसला ना करें और अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकाम उनके दिल को ना लगें तो उनके आपस में मुनाफरत और लड़ाई झगड़े डाल देते हैं। तो ये बदअमली की सज़ा है जो हम ठीक से करना चाहिए हम लोगों को। जैसे ज़कात ना देने पे क्या था, बारिश बंद हो गई है।